हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर एक एक्टिविटी देखेंगे हम उसमें। तो पहले आप डायग्राम देख लीजिए, आपको फिर जल्दी से समझ में जाएगी वाली एक्टिविटी। ये देखिए, आपको दिख रहा है एक टेबल की है, जिससे हमने क्या करा है, एक स्ट्रोक और थ्रेड के थ्रू उसको हमने सस्पेंड कर दिया और दूसरे स्ट्रोक हम पास में लेके आए हैं। अब हम देखेंगे इसकी एक्टिविटी। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इन टू नियर बाय टू इक्वल पीसेस। अब हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ लेंगे और उसको टू इक्वल पीसेस में कट करेंगे। सस्पेंड वन ऑफ पीस फ्रॉम द एजेस ऑफ अ टेबल। अभी डायग्राम में जैसे आपने देखा है, देखा था ना, स्ट्रॉ हमने टेबल से क्या करा है, उसको एजेस से हमने उसको सस्पेंडेड कर दिया है थ्रेड के थ्रू। Now hold the other piece of straw in your hand and rub it free and with a sheet of paper. आपको क्या करना है, एक पीस को आपने सस्पेंड कर दिया है, दूसरा जो पीस है उसके फ्री एंड को पेपर से रब करना है। फिर रब करने के बाद में जो स्ट्रॉ है उसको, जो सस्पेंडेड स्ट्रॉ है, देखो डायग्राम में, रब करने के बाद में ये सस्पेंडेड स्ट्रॉ है उसके पास में आपको लेके जाना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें कि वो जो स्ट्रॉ है एक दूसरे को टच ना करें। नेक्स्ट, रब द फ्री एंड ऑफ सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विथ अ शीट ऑफ पेपर। अब जो सस्पेंडेड पीस था, अब आप क्या करोगे, जो सस्पेंडेड पीस था उसके फ्री एंड को पेपर से रब करोगे। अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ डेट वॉज रब अर्लियर विथ पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। अब हमने जो पेपर पहले हमने जो करा था ना रब, अब उसके पास में इसको लेके जाएंगे और ऑब्जर्व करो ना कि क्या होता है। स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब विथ अ शीट ऑफ पेपर। जब स्ट्रॉ को हमने पेपर की शीट से रब किया तो उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस क्या हो गए, उसमें एक्वायर्ड हो गए। सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी। जो स्ट्रॉ है वो एक चार्ज बॉडी का एग्जाम्पल है। द फोर्स एक्सर्ट बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा फोर्स जो एक चार्ज बॉडी के थ्रू दूसरी चार्ज बॉडी पे या दूसरी अनचार्ज बॉडी पे लगे, एक्सर्ट हो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम इन टू प्ले इवन वेन द बॉडीज आर नॉट टू कॉन्टेक्ट। अब ये फोर्स भी कब होता है प्ले होगा, जब आपकी जो बॉडी है वो कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। देखो डायग्राम में देखा ना, स्ट्रॉ को हमने दूर दूर रखा है, टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो बॉडीज रहेंगी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज और अनचार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफोर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, क्योंकि उसमें जो बॉडीज है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। यू विल, या एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। You know that a coin or a pen fall to the ground when it slip off your hands. Leaf and fruits also fall to ground when they get detached from the plant. Have you ever wondered why it's so? तो ये हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे हाथ से स्लिप होती है तो नीचे गिरती है। जो लीव्स होती हैं, जो फ्रूट्स होती हैं, वो भी क्या होते हैं, ट्रीज से टूट करके कहाँ गिरती हैं, नीचे गिरती हैं। तो सब कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो नीचे ही क्यों गिरता है। हैव द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड, इट इज अरेस्ट एज सून एज इट इज रिलीज, इट बिगेन टू मूव डाउनवर्ड, इट इज क्लियर दैट स्टेट ऑफ मोशन ऑफ कॉइन अंडरगोस अ चेंज। अभी आपके जब अगर हाथ में आपका कॉइन है तो वो रेस्ट की पोजीशन में होगा, जब इसको आप छोड़ दोगे तो वो क्या करने लगेगा, नीचे की तरफ
मूव करने लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कॉइन जो है वो किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाता है। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब हम इसके ऊपर फोर्स को तो अप्लाई ऐसा हो सकता है। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, विच इज दिस फोर्स, ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल देम, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या होता है अर्थ की तरफ, अर्थ की तरफ ही गिरता है जिस, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ क्या करती है उसको अपनी तरफ पुल करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग्स है वो फॉल होता है अर्थ की तरफ, क्यों, क्योंकि अर्थ क्या करती है उसको पुल करती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मीन्स अर्थ का किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करना, इस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जस्ट ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी बोल सकते हैं। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरती है तो नीचे ही आती है, तो अर्थ क्या करती है उसको अट्रैक्ट करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस, तो सभी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एक्ट होता है। द टाइम विदाउट अवर बींग अवेयर ऑफ इट, वाटर बींग टू फ्लो टूवर्ड द ग्राउंड, अब वाटर भी ग्राउंड की तरफ ही फ्लो होता है। एज सुन एज ओपन अ टैप, जब आप टैप को खोलते हो, नल को जैसे चालू करते हो, तो पानी क्या है नीचे की तरफ ही आपका गिरता है। वाटर इन रिवर फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो रिवर का वाटर होता है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होता है, ये भी किस कारण होता है, ग्रेविटी के कारण। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर। You have learned in class 7 that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftop, है ना, जब देखते हो ना बहुत तेज हवा चलती है, स्टॉर्म होता है साइक्लोन के समय, तो क्या करती है हवा चलती है तो जो रूफ के जो टॉप्स वगैरह होते हैं, घर की जो छत वगैरह होती हैं, वो भी क्या होती है उसके साथ में ब्लो हो जाती हैं। You have learned that wind and cyclone are caused by the difference in air pressure. अब जो विंड है और या फिर साइक्लोन है, ये क्या है, एयर में प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसके कारण ये प्रोड्यूस होते हैं। इज देयर आर देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, तो अब हमें देखेंगे फोर्स और प्रेशर के बीच में क्या कोई रिलेशन है, लेट अस फाइंड आउट। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड, ठीक है, डिड यू सक्सेस, कर सकते हो क्या आप इसमें सक्सेस हो गए। ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड, अगर आप पॉइंटेड एंड से, अगर आपने जो नेल प्लैंक लिया है उसके हेड को अगर आप करोगे, पुश करोगे, तो आप इसमें कर सकते हो क्या उसको सक्सेस हो सकते, नहीं, आप क्या करोगे, ट्राई नाउ पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड, अगर नेल का पॉइंटेड एंड लेंगे तो उससे आप उसको कर सकते हो, नेल को प्लांग कर सकते हो। देखो कुड यू डू दिस, अगर आपका जो पॉइंटेड जो होगा, नेल का पॉइंटेड वाला पॉइंट होगा, उस पे आगे आप क्या कर सकते हो, उससे आप उसको अगर आप हैमर से उसको आप करोगे, पुश करोगे तो उसमें लग जाएगा, पर अगर जो राउंड वाला पोर्शन है उसको आप अगर हैमरिंग करोगे उसके ऊपर, तो वो उसमें वुडन प्लांक में नहीं लग पाएगा। Try cutting vegetable with a blunt knife. आप जो knife अगर blunt हो तो उससे आप vegetables को cut कर सकते हो, ठीक है, blunt मतलब जिसका sharp object, sharp side ना हो उसकी, blunt हो side, तो blunt side से आप क्या vegetable को cut कर सकते हो। And then with a sharp knife, which is easier, sharp
नाइफ का शार्प वाला साइड है उससे वेजिटेबल कट करना इजी होगा आपको, कि ब्लंट वाले साइड से आपको कट करना इजी होगा। डू यू गेट द फीलिंग दैट एरिया ओवर विद द फोर्स इज अप्लाइड प्ले अ रोल इज मेकिंग दिस टास्क इजियर। अब हम देखते हैं कि जो भी एरिया है ठीक है जिस पे हमको फोर्स अप्लाई करना है, तो अगर पॉइंटेड एंड वाला है, फॉर एग्जांपल द पॉइंटेड एंड ऑफ नेल प्ले अ रोल इज मेकिंग देम मेकिंग दिस टास्क इजियर। जो पॉइंटेड वाला होगा तो पॉइंटेड वाले जो होगा वो क्या करेगा, फोर्स को अगर हमें अप्लाई करना है तो उस पर हम इजिली फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, अगर ब्लंट वाला होगा तो उस पर हम फोर्स को इजिली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी यूनिट एरिया पर जिस पे फोर्स एक्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। ठीक है, ऐसा यूनिट एरिया जिस पर फोर्स अप्लाई हो, ठीक है, किसी भी सरफेस का एरिया, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, सरफेस का यूनिट एरिया जिस पर फोर्स एक्ट हो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इज एक्ट। देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, आई नो अंडरस्टैंड बाय पोर्टर प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड। देखो यहाँ पर जो पोर्टर है वो राउंड पीस लगाता है, ठीक है, जब वो लगाता है अपने क्लोथ का राउंड पीस बना के वो उस पर अपने सर पर रखता है, क्यों क्यों रखता है, जब उसके ऊपर आपको लगेज रखता है तो अपने सिर के ऊपर वो पेपर सॉरी क्लोथ का राउंड पीस का क्लोथ पीस का राउंड वो बना के रखता है, क्यों, ताकि जो उसके ऊपर प्रेशर है वो कम अप्लाई हो, वो राउंड पीस बनाने से क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो उतने जितना एरिया होगा उतने पर ही फोर्स एक्ट होगा, तो फोर्स होगा उसको प्रेशर कम उसको लगे, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं वो। नोट दैट द एरिया इज इन डिनोमिनेटर इज इन द अबोव एक्सप्रेशंस, सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। अगर एरिया स्मॉल होगा है ना, अभी मैंने डायग्राम बताई ना, डायग्राम बताया यहाँ पर, देखो एक आपको मैंने बताया पहले बताया था कि नेल पॉइंटेड वाले पे हम उसको हैमरिंग करते हैं, पॉइंट वाले पे करेंगे तो एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अगर राउंड वाला नेल का राउंड वाले पोर्शन पे आप हैमरिंग करोगे तो वुडन प्लैंक वो इजी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जो राउंड वाला है तो उसमें इसका एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, और पॉइंट वाले एरिया पे अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से जो नेल है उसके अंदर लग जाएगा, क्योंकि उसमें जो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर हमने पोर्टर कर लिया, उसने क्या करा है, क्लोथ पीस का राउंड बना के अपने सर पर रखा है, फिर उसके ऊपर लगेज को रखा है, तो क्लोथ पीस का राउंड सर्कल बनाने से क्या हो जाएगा, जो उसका प्रेशर का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, एरिया इंक्रीज होने के कारण प्रेशर फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो सो द स्मॉलर द एरिया, एरिया स्मॉल होगा तो लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स, सेम फोर्स लगाने पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। आर एरिया ऑफ पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल अभी बताया इज मच स्मॉलर देन द एंड ऑफ इट्स हेड, द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूस अ प्रेशर सफिशियंट टू पुश द पॉइंटेड एंड इन टू द वुडन प्लांक। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये वाला, कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर्स बैग आर प्रोवाइड विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप। जो शोल्डर बैग होते हैं
सॉरी, जो शोल्डर बैग होते हैं इनकी जो स्ट्रिप्स होती है वो ब्रॉड होती है, पतली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एंड वाई द टूल्स मीन द कटिंग एंड पर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। जो टूल्स होते हैं कट करने के, तो उसकी जो एजेस होती हैं वो शार्प होती हैं। क्यों? क्योंकि शार्प एजेस होंगी, सरफेस एरिया कम होगा, तो क्या हो जाएगा, जो प्रेशर है वो ज़्यादा अप्लाई होगा। डू लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? डस इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट? जो लिक्विड और गैसेस होते हैं उनके उन पर भी क्या लगता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। लेट अस फाइंड आउट प्रेशर एक्सर्ट बाय द लिक्विड एंड गैसेस। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप। ट्यूब्स शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड इन डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर। आल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर। ठीक है, आपको क्या लेना है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेना है या फिर एक प्लास्टिक का पाइप लेना है जिसकी लेंथ कितनी होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना होना चाहिए, 5 to 7.5 सेंटीमीटर। फिर आपको एक क्या लेना है, गुड क्वालिटी का रबर भी लेना है। से अ रबर बलून, स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर एंड ऑफ द पाइप। देखो यहाँ पर आपको बलून है, उसको हमने क्या कर दिया, रबर से उसको फिक्स कर दिया है। ऐसे आपने एक पाइप लिया है, स्ट्रॉ लिया, सॉरी पाइप लिया है, ग्लास ट्यूब लिया है, और इसमें क्या कर दिया, एक एंड पे आपने बलून को फिक्स कर दिया है। स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ पाइप। होल्ड द पाइप एट द मिडिल कीपिंग इट इन अ वर्टिकल पोजिशन। वर्टिकल पोजिशन मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू प्योर सम वाटर इन द पाइप। अब इस पाइप में क्या करना है, वाटर डालना है। आपकी जो फ्रेंड है उससे आप बोलोगे कि इसमें पानी डालें। डस द रबर शीट बल्ज आउट। तो जो रबर शीट है वो क्या हो जाएगी, बल्ज हो जाएगी। नोट आल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन पाइप। फिर आपको क्या करना है, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाएगा इसमें। नोट ऑल्सो हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द पाइप। आपको जो वाटर की हाइट है उसको भी आपको क्या करना है, नोट करना है। प्योर सम मोर, फिर और ज़्यादा पानी डालना है। ऑब्जर्व अगेन द वर्ल्स इन द रबर शीट। जो रबर शीट है उसको आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि वो और ज़्यादा वर्ल्स हो गई है क्या। एंड हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन पाइप, और आपको फिर से उसका हाइट देखना है वाटर कॉलम का। रिपीट दिस प्रोसेस अ फ्यू मोर टाइम्स। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ वॉल्स इन रबर शीट एंड हाइट ऑफ वाटर? हाइट ऑफ वाटर और जो रबर शीट जो वॉल्स हो रही हैं उनमें क्या कोई रिलेशन है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ऑब्जर्व करना है। एक्टिविटी 11.9, टेक अ प्लास्टिक बॉटल। आपको क्या करना है, प्लास्टिक की बॉटल लेना है। यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर द बॉटम एज सोन इन फिगर 11.15। देखो यहाँ पर ये ना, आपको यहाँ पर इस तरह से एक बॉटल लेना है और आपको इस तरह का अरेंजमेंट करना है। तो आपने एक बॉटल ले लिया है, फिर क्या करना है, यू कैन डू सो बाय स्लाइटली हीटिंग वन एंड ऑफ ग्लास ट्यूब एंड द क्यूटली इंसर्टेड।
तो आपको स्लाइटली जल्दी से हीट अप करना है। एक एक ग्लास ट्यूब लेना है और उसको हीट अप करना है, और जो आपका बॉटल है उसमें आपको क्या करना है, क्विकली इंसर्ट करना है इट नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। मेक श्योर डेट वाटर डज नॉट लीक। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें से वाटर लीक नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज एनी लीकेज सील इट विद मोल्टन वैक्स। अगर कहीं लीकेज हो रहा है तो आपको उसको मोल्टन वैक्स, जो मोल्टन वैक्स होगा उससे आपको पैक कर देना है। कवर द माउथ ऑफ ग्लास विथ ग्लास ट्यूब विथ अ थिन रबर शीट। आपको क्या कर देना है, जो आपका ये अरेंजमेंट है बॉटल है उसको आपको कवर कर देना है। नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विद वाटर। अब आपको फिर से क्या कर देना है, इसमें पहले जैसे आपको पानी भर देना है, ठीक है। फिर उसका आपको जो वाटर लेवल है वो आपको नोट करना है, ठीक है। शीट फिक्स टू द ग्लास ट्यूब वेल दिस टाइम प्योर। फिर इसके बाद में आपको फिर और पानी डालना है, फिर देखना है कि जो आपका ट्यूब है वो कितना बल्ज हो गया है। इज देयर एनी चेंज इन बल्ज ऑफ रबर शीट। रबर शीट की जो बल्ज है उसमें, जो रबर शीट आपका जो है और ज़्यादा बल्ज हो गया है क्या, पानी डालना है आपको, ऑब्जर्व करना है। नोट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स ऑन द साइड ऑफ कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम। आपको बॉटम में नहीं करना है, साइड में करना है कंटेनर का। दस द बल्जिंग ऑफ रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन दिस साइड ऑफ कंटेनर एज वेल एज। तो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि जो पानी हम डाल रहे हैं तो उससे क्या लग रहा है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और जो रबर शीट है वो क्या हो जा रही है, बल्ज जा रही है, फूल जा रही है, ठीक है। आज के लिए अपना लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट पीरियड जो होगा उसमें हम आगे की एक्टिविटी को